अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नान को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है काले चने। वो कैसे बनेंगे ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज पका रहे हैं हम काले चने। ठीक है, ये मैंने दो प्याज ले लिए, ये पाव चने हैं, ये धनिया, हरी मिर्च है, ये आधा चम्मच नमक का, हल्दी, जीरा, किसी भी मिर्च। ठीक है, अब मैं ना उसे ना सब चीज़ें इकट्ठी डाल के ना, और बच्चे कह रहे थे काले चने बना के दें, तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो मैं आपको ना रोज़ाना वही दिखाती हूँ जो हम लोग घर में पकाते हैं, मतलब अपनी रूटीन से चीज़ें। इसमें कुकर में रख दूँगी ना जल्दी हो जाएंगे ये सब चीज़ें, जब गल जाएंगी ना। मैंने प्याज काट लिए, अब ये ना सारे चने में इसमें डाल देती हूँ। ये ना मैं फिर ना लगा देती हूँ इसका ना ढकना, तो फिर ये पकने लग जाएंगे प्रेशर में, जल्दी हो जाएंगे। मैं ना लहसुन भी डालती हूँ, लहसुन इधर डाल दी इसमें, तो ज़्यादा नहीं डालना, कम ही है बस, ज़्यादा नहीं है। चलें जी। तो व्यूअर, जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम लोग आज चने बना रहे हैं, काले चने आज की हमारी रेसिपी है। तो चने यहाँ पर हम लोगों ने कुकर में रख दिए थे पकने के लिए। अगर आप कुकर में बना सकते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को मतलब होता है, सिक्योर्ड होते हैं कुकर के हवाले से, उसमें कुकिंग नहीं करते। तो आप लोग ये मतलब देसकी में मम्मा बना सकते हैं ना, तो देसकी में भी बना सकते हैं। ज़्यादा फिर ये थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ से इसके ज़रिए कि थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है और थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लिया है, तो पानी अभी है सही तरह से तैयार नहीं हुए, इसका पानी खुश करना अभी हम लोगों ने। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखना कि मज़ेदार सी जौन सी आज काले चनों की रेसिपी है, लोगों को बहुत पसंद है और मतलब काफ़ी लोग पसंद करते हैं काले चने। तो आज हम लोगों ने सोचा कि आपके काले चनों की जौन सी रेसिपी है उसको भी शेयर किया जाए। तो आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। देखिए तो व्यूअर्स, अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ज़ीरा, नमक सब चीज़ें डाल दी हैं, तो पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया। तो इसके बाद मम्मा ने जो स्पाइसेस आपको हम लोगों ने दिखाए हैं वो उसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर दिए हैं। ये देखिए इतने भुने भुने से अच्छे से बन गए हैं ये, तो मसाले भी हम लोगों ने डाल दिए हैं, खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब इसमें हम तेल डालते हैं, तो अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो मज़ेदार से जो हमारे वो हैं काले चने तैयार हो गए हैं, इसको फिर भुनेंगे हम लोग तेल डाल के। हाँ जी, दो तीन मिनट भूनते हैं बस। तो खुशबू भी इसके बहुत अच्छी आ रही है, और अब हम लोगों ने इसकी भुनाई करनी है जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने इसके अंदर घी नहीं डाला था, कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया था। हाँ जी, तो अब हम लोगों ने डाल, बाकी अपनी मर्जी के मुताबिक आप शोरबा कर सकते हैं जैसे भी। लोग तो बहुत पतला खाते हैं यहाँ पे, तुम्हारे कहते हैं चने बहुत प्यारे पकते हैं, वो उसे ऐसे कहते हैं कि सिरी पाई जैसे बनते हैं। मेरी एक दोस्त थी कॉलेज फ्रेंड, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करती थी काले चने, तो उसने भी मुझे मतलब इसकी मिसाल इसी तरह ही दी थी कि काले चने तो ऐसे होते हैं जैसे सिरी पाई का साल। ओके, हाँ जी, वो हमारा ड्राइवर था, तो वो कहता था जब मेरी बीवी पकाती है ना तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे ना कोला भर के शोरबे का दे, ताकतवर बहुत होते हैं ये। हाँ भी कहते हैं हम लोग, तो वो कहता मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। तो मैंने कहा चाचा जी बड़ी बात है, हमने तो कभी खाए नहीं, अब मैं पकाने लगी हूँ। वो भी अपनी दरानी से पूछ गए, तो पानी अब मतलब पकाएंगे ना पानी डालने के हाँ बाद जी, थोड़ी देर पकाएंगे। ठीक है, मेरा है शोरबा ठीक है, पानी और थोड़ा सा डाल दो बस। ठीक है, इतना ही ठीक है, थोड़ा सा डाल दो, पकना भी तो है। हाँ पकना भी तो है। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये जो काले चने आज हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि आज जो से हमारी रेसिपीज होती हैं वो वही होती हैं जो डेली रूटीन में आप लोग अपने घर में बना सकते हैं,
और इजी वे से हम आपको सिखाते हैं। तो अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। हाँ जी, ये पकने के लिए रख देते हैं। धनिया भी डाल ही देती हूँ साथ, धनिया हरी मिर्च भी। जबरदस्त। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना, देखना कि मज़ेदार से जो उनसे काले चने हैं इनकी रेसिपी वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, बस उबाल आता, हल्की आंच कर देती हूँ मैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी आज की रेसिपी है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये जो चने हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी। तो ये है इसका फाइनल लुक और ये बहुत ही मज़ेदार से काले चने बने हैं। खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा आ रही है। और आप देखिए, गर्मा गर्म ये चने हम डिश आउट कर दिए, धुआं इनसे निकल रहा है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज के जो उनसे काले चनों की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो उनसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।